हेलो दोस्तों, आपने पहले महीने और दूसरे महीने में शिशु का विकास गर्भ में किस तरह होता है और प्रेग्नेंट महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं आपने वीडियो के माध्यम से जाना। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से गर्भधारण के तीसरे महीने में गर्भ के भीतर शिशु का विकास किस तरह होता है और प्रेग्नेंट महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं और उनको क्या क्या परेशानियाँ आती है, यही बताने जा रही हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी का तीसरा महीना आते आते शिशु के दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। इस समय शिशु के फेफड़े और हाथ पैर की उंगलियां बनना भी शुरू हो जाती है। इस महीने तक शिशु अपना आकार लेने लगता है और नाखून बनना भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, तीसरे महीने तक शिशु की त्वचा बहुत पतली होती है और सभी अंग बहुत नाजुक होते हैं। दोस्तों, तीसरा महीना आते आते शिशु हिचकियां भी देने लगता है। इस समय शिशु गर्भ के भीतर एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा ही सांस लेता है और छोड़ता है। तीसरे महीने के अंत तक शिशु अपनी उंगलियां खोलना और बंद करना शुरू कर देता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, शिशु इस समय अंगूठा भी चूसने लगता है और वो मूवमेंट भी करने लगता है। पर आपको अपने शिशु का मूवमेंट का पता अभी आपको नहीं चलेगा क्योंकि शिशु अभी बहुत छोटा हो। आपको इसके बारे में पांचवें महीने पता चलेगा शिशु की कर रहा है या नहीं, या शिशु का मूवमेंट आपको पांचवें महीने पता चलेगा। दोस्तों, तीसरे महीने तक शिशु के लिंग का निर्धारण हो जाता है, पता चल जाता है कि गर्भ में शिशु लड़का है या लड़की है। गर्भावस्था के तीसरे महीने में प्रेग्नेंट महिला के शरीर में कई बदलाव आते हैं। इस महीने से महिला के पेट का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, स्तनों में भारीपन होने लगता है, ब्लड फ्लो तेज होने के कारण नसें भी दिखने लगती है, प्रेग्नेंट महिला का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट पर स्ट्रेच मार्क्स भी कई महिलाओं को इस समय दिखने लगते हैं, त्वचा में रूखापन आ जाता है। दोस्तों, खुजली की समस्या भी हो जाती है और पेट पर लाइन भी उभरने लगती है। तीसरे महीने से महिला को कब्ज की परेशानी भी होने लगती है, सिर में दर्द होने लगता है, सोने में उन्हें काफी परेशानी होने लगती है, पैरों और तलवों में सूजन की समस्या भी कई महिलाओं को हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, पेट के निचले हिस्से पर हल्की सूजन भी आ जाती है। दोस्तों, ऐसे में महिला को भरपूर आराम करना चाहिए और समय समय पर चेकअप कराते रहना चाहिए, उन्हें डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए, मेडिसिन समय पे देनी चाहिए और अपने शरीर का विशेष ध्यान देना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके काम की है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।